हेलो भाई, वेलकम बैक इन एसी क्लासेज ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम लोग मैथमेटिक्स के इस क्लास में 11th क्लास के लिए जो चल रहा था हमारा लिनियर इनइक्वालिटी, उसी के मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन की बात करेंगे। आप इसके पहले उसके सारे टॉपिक्स को, वर्ड प्रॉब्लम को समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी उसके कुछ सिलेक्टेड एग्जाम्पल्स को, सिलेक्टेड क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। एक बार रिविजन हो जाएगा, बाकी का क्वेश्चन जो है आप बना लेंगे। और स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा मिलते रहें। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, चूँकि एजुकेशनल वीडियो है, इसमें कहीं भी आप स्किप करेंगे तो हो सकता है कि वहाँ पर आपका कोई छूट जाए, जहाँ से आगे की बात समझ में नहीं आए। और मैं वैसे ही कोशिश करता हूँ कि किसी भी चीज़ को सिंप्लीफाइड तरीके से कम समय में, शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म में एग्जैक्ट टॉपिक दिया जाए, ताकि उसमें कोई छूटे भी नहीं, आप बहुत बोरिंग या टू मच लॉन्ग भी नहीं हो। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, आपका जो वैल्यूएबल कमेंट है कमेंट कीजिए, आप क्या उसमें और चाहते हैं उसको बता सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप या हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, उसका आंसर दिया जाएगा या उसको सेटिस्फाई करने का प्रयास करेंगे हम मैक्सिमम। तो आइए हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 1 to 6। 1 से 6 तक सारे एक्सरसाइज एक ही टाइप के हैं। इसमें क्या है ना कि बीच में यहाँ पर कुछ टर्म दिया गया है, कुछ इधर भी टर्म है, कुछ इधर भी टर्म है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे एक इनइक्वालिटी का साइन था तो वैसे ही यूज करते थे, वैसे ही 2 का करेंगे, 3 का करेंगे, जैसा भी होगा करेंगे, पार्ट वाइज आप अलग करते जाएंगे। इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि कोई भी काम हम करते हैं तो जैसे इक्वेशन का हम रूल जो अपनाते हैं, पहले वाला साइड चेंज तो साइन चेंज और चलेगा, या साइड चेंज कहाँ से आया है तो जो जहाँ से हम रिमूव करके वेरिएबल का वैल्यू प्राप्त करना चाहते हैं और वहाँ पर जो भी अलग कांस्टेंट नंबर है उसको हटाते जाएंगे तो डायरेक्ट आपको वेरिएबल मिल जाएगा। तो इसमें सारे क्वेश्चन में आप देखिएगा कि बीच में वेरिएबल हैं और फर्स्ट और लास्ट में आपके ये कांस्टेंट नंबर्स हैं, हर क्वेश्चन में वही पैटर्न है। तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। जैसे दिया गया है कि 2 < 3x - 4 > 5। तो पहले यहाँ हम क्या देखें, हमको x का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ देख रहे हैं कि x के साथ पहले -4 है, तो किधर भी ले जाएंगे साइड चेंज करेगा तो +4 होगा, यानी हम पूरे टर्म में अगर प्लस कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हर एक टर्म में इक्वल चीज़ को ऐड कीजिए, इक्वल चीज़ सब्ट्रैक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कीजिए तो वैल्यू बराबर ही रहता है, जो भी होगा उसे में होगा। तो जैसे यहाँ पर 2 + 4 = 3x - 4 + 4 और यहाँ < 5 + 4, तो ये 4 कैंसिल कर सकते हैं, तो आपका क्या बचा 6 < 3x और > 9। यहाँ 3x है, हमको x चाहिए, तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो सबको डिवाइड कर दिए, ये डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, ये तो कैंसिल हो गया, और ये डिवाइड करेंगे तो आ गया 3, तो कितना हुआ 2 < 3x, x < 3। तो इस तरीके से x को आप इंटरवल फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कुछ नहीं दिया गया तो हमको ये मान करके चलना है कि वो रियल नंबर में है। तो x = यहाँ पर इक्वल टू का साइन है तो क्लोज इंटरवल 2 और 3 हो जाएंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन उसी में 4 नंबर का दिया हुआ है कि जैसे -15 < 3x - 2/5 > 0। वही प्रोसेस यहाँ पर ओवरऑल ब्रैकेट के बाहर देख रहे हैं कि 3/5 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो 3/5 को हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 5/3 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे सब में, तो 5/3 से यहाँ, 5/3 से यहाँ और 5/3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, ये तो कट जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी ये कटेगा तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा, तो -25 ये हो गया x - 2 और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और -2 है इधर भी ले जाएंगे या इधर भी ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा, सीधे +2 ऐड कर दिए, इसमें भी यहाँ x - 2 में भी प्लस ऐड कर दिए, 0 भी कर दिए, तो +2 और -2 ख़त्म हो गया। अब बचा क्या, -24 + 2 मैंने -23 है यहाँ x, और यहाँ पर क्या बचा, केवल 2, यानी x का वैल्यू कहाँ से, -23 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो इम्प्लाइज x -23
ओपन में रहेगा, टू क्लोज में रहेगा, क्योंकि यहाँ इक्वल है, या इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो स्मॉल ब्रैकेट दीजिए, नहीं तो उल्टा स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं, तो ज़्यादा हमारे लिए आसानी होता है, दिखने में भी अच्छा लगता है, तो हम इसी को यूज करेंगे। उसके बाद एक 8 नंबर क्वेश्चन है, 6 के बाद 7, 8 और आपके 10 तक के क्वेश्चन हैं, उसमें हमने एक क्वेश्चन 8 नंबर ऑफ किया है, कह रहा है कि सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइजेस 7 to 10 एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑन नंबर लाइन। तो पहले तो आप सॉल्व करेंगे, दिया हुआ है कि 2x-1 <x+5 और दूसरा दिया है कि 3x+2 <2 -1। तो अब इसको दो अलग अलग हैं और दोनों एक ही में दिए गए हैं, यानी दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो पहले हम अलग अलग कर लेते हैं, तो ये 2x-2 हो जाएगा और <x+5, अब फिर ये हो गया 3x+6 <2 -x, मल्टीप्लाई कर लिए जैसे दिया था। अब क्या करेंगे, जो आप जानते हैं कि लाइक टर्म को एक साथ, तो 2x-x हो गया, इधर 5 और +2 हो गया, इधर भी 3x+6 हो गया, यहाँ माइनस है तो, और 6 इधर गया तो 2-6 हो गया, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2x-x घटाएंगे तो x बचा, 5 + 2 = 7 हो गया, यहाँ पर हो गया 4x और ग्रेटर देन 2 में से 4 घटाएंगे तो माइनस हो गया, तो यहाँ हो गया x < 7, आई 4 कट जाएगा तो क्या होगा, x > -1। अब दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा, x का वैल्यू -1 से बड़ा आ रहा है या 7 से छोटा आ रहा है, तो हम दोनों को मिला करके ऐसे लिख सकते हैं कि -1 < x और x < 7। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x = -1 और 7 ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू नहीं दिया गया है दोनों जगह, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आंसर एक ये हो गया। अब इसी को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए रियल नंबर है तो पूरा नंबर लाइन बना देंगे, लोअर लिमिट है -1 और अपर लिमिट है 7, तो -1 अब जहाँ तक -1 से 7 तक तो हमको लिखना ही है, और एक दो नंबर पहले और एक दो नंबर बाद तक लिख दीजिए। आप यहाँ एरो दिए हैं, एरो के बगल में नीचे आप -∞ और +∞ लिख भी सकते हैं, अगर नहीं भी लिखते हैं तो चूंकि एरो दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि इनफाइनाइट तक ही जाएगा, इंडिकेट कर रहा है, तो आप लिख भी सकते हैं इन्फिनिटी और -∞ को नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन नंबर को लिखना है। तो -1 से 7 तक है तो जैसे हमने -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ लिख दिया आपने। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये ओपन है, तो ओपन है तो उस पॉइंट को नहीं लेना, हम थोड़ा सा क्लियर करके, आप नंबर लाइन पर कीजिएगा तो ठीक है, नहीं नंबर लाइन पर है तो थोड़ा सा ऊपर भी कर सकते हैं, हमने आपको क्लियरिटी के लिए ऊपर करके दिखाया है कि -1 के सामने ये छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू वाला नहीं था, ओपन है, तो -1 को छोड़ देंगे, और उसी तरीके से इसका जो लिमिट है 7 लास्ट वाला एंडिंग पॉइंट, तो 7 को भी छोड़ देंगे, अब बाकी बीच के नंबर को मिला देंगे सीधे स्ट्रेट लाइन से, तो ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। और इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन आप सेट थ्योरी वाले चैप्टर में भी पूरा डिटेल्स इंटरवल में पढ़ चुके हैं, वही बात है, जो नए भी देखे होंगे मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, तो इसको फॉलो करके देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको क्लियर होगा इसको। अब इसके बाद ऐसे ही इसके और जो क्वेश्चन है 10 तक आप बना सकते हैं, इसके बाद 11 से लेकर के 14 तक के वर्ड प्रॉब्लम है, 1 by 1 चारों को हम बना देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा समझने वाली बात है, तो हो सकता है कि कुछ लोगों को समझ में कम है, तो मैं एक एक क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ, ताकि आप अदर बुक का क्वेश्चन भी बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन है 11 नंबर में कि अ सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68° F एंड 77° F। व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इफ द सेल्सियस फॉरेनहाइट कन्वर्जन फार्मूला इज गिवन बाई F = 95/C + 32। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है दोनों का रेंज, तो सबसे पहले तो गिवन दैट 60 F का वैल्यू जो है फॉरेनहाइट का 68 से ज़्यादा है और 77 से कम है, क्योंकि कह रहा है कि बिटवीन 68 एंड 77। तो और F का कन्वर्जन फार्मूला जो F यहाँ पर लिख रहे हैं, तो इसको C में कन्वर्ट करना है, तो C के लिए वैल्यू दिया हुआ है कि F = 9/5 × C + 32। तो हम क्या करेंगे, इसी में F के जगह पर ये C वाला वैल्यू पुट कर देंगे, तो 68 < 9/5 × C + 32 और < 77 हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसको
32 है तो दोनों तरफ जाएगा तो इधर भी माइनस करेगा, इधर भी आएगा तो माइनस करेगा, यानी सब में माइनस 32 घटा दिए तो यहाँ पर हो जाएगा 36, यहाँ पर 32 कट जाएगा और यहाँ पर घटाएंगे 32 को तो यहाँ 45 आ गया। तो 36 यहाँ पर लेस देन 9/5c और यहाँ पर हो गया 45। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ एक ही बार देख रहे हैं, 9 कॉमन लेकर के भी कटा सकते हैं, लेकिन हम एक ही बार देख रहे हैं कि 9/5 है, हमको हटाना है तो क्या करेंगे, 5/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सब में 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो खत्म हो गया, खाली सी बचा और यहाँ पर हो जाएगा 9/4 = 36 और 9/5 = 45। तो अब सी का वैल्यू कितना आ गया है, 4/5 = 20 और सी हो गया बीच में, और यहाँ 5/5 = 25, यानी सी का वैल्यू कितना आया 20 और 25 के बीच में। तो हम लिख देंगे फाइनली कि देयरफॉर रिक्वायर्ड रेंज इज बिटवीन 20°C and 25°C। क्लियर। इसको दूसरे तरीके से भी आप बना सकते हैं कि डायरेक्ट, चूंकि क्वेश्चन ये सिंपल कि 68 फॉरेनहाइट में दिया है तो आप इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए, मैंने सी में, आप फिर इसको कीजिए तो थोड़ा सा लंबा स्टेप में जाएगा, तो इसलिए बढ़िया है कि इसको एक ही साथ इन इक्वेशन के फॉर्म में, एफ दिया है तो एफ का आप रखिए। ऐसे ही मान लीजिए कि यहाँ पर सी दिया रहता और एफ में पूछता रेंज, तो सी को यहाँ पर जो लिमिट दिया रहता लिखते किसके किसके बीच में है, और सी के जगह पर अब एफ का वैल्यू, जैसे यहाँ एफ का वैल्यू सी के टर्म में लिखा, वैसे ही सी का वैल्यू एफ के टर्म में लिख देते, हो जाता आपका एग्जांपल में क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके बाद एक क्वेश्चन है 12 नंबर, तो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अ सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड टू बी डाइल्यूटेड बाई एडिंग 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन इन इट, द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6% बोरिक एसिड। If we have 640 liters of the 8% solution, how many liters of the 2% solution will have to be added? यानी 8% वाले में आपको 2% मिला करके बनाना है एक मीडियम कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन जो 4% से ज़्यादा और 6 से कम होना चाहिए, और आपको 640 liters 8% वाला है तो उसके लिए कितना ज़रूरी है 2% वाला। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन के लिए कि सबसे पहले तो जो 2% बोरिक एसिड मिलाना है उसको हम मान लेंगे, तो लेट x लीटर्स ऑफ 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू बी एडेड, तो देन टोटल मिक्सचर तो 640 लीटर्स है आपका, तो x मिलाएंगे तो कितना होगा, x प्लस 640 लीटर्स हो गया मिक्सचर, ये हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन कि मिक्स अगर 2% लेते हैं, मैंने मिक्सर जो तैयार करते हैं उसका कंसंट्रेशन टोटल होना चाहिए 4% से ज़्यादा और 6 से कम, तो अलग अलग सेपरेटली क्या है 2% ऑफ एक्स है बोरिक एसिड के लिए, एक्स लिए हैं, एक्स लीटर लिए हैं 2% वाला, तो इसमें बोरिक एसिड की मात्रा कितनी हो गई 2% ऑफ एक्स प्लस 640 लीटर्स लिए हैं 8% का, तो 8% ऑफ 640 ये टोटल बोरिक एसिड का अमाउंट हो गया। अब ये कितना होना चाहिए, तो मिक्सचर के 4% से ज़्यादा यानी ग्रेटर देन 4% ऑफ x प्लस 640, एंड दूसरा क्या कर रहा है कि यही अमाउंट, टोटल अमाउंट तो यही है कि 2% ऑफ x प्लस 8% ऑफ 684, ये 6% से कम होना चाहिए यानी लेस देन 6% ऑफ x प्लस 640। अब इसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो देखिए परसेंटेज है तो बाई में 100 करना है तो आप जानते ही हैं, तो 2x/100 यहाँ पर हो गया 8 × 640/100, यहाँ पर हो गया ग्रेटर देन 4 × x + 640/100, एंड फिर यहाँ हो गया कि 2% ऑफ एक्स है यानी वही चीज़ 2x/100 प्लस 8 × 640/100, ये लेस देन हो जाएगा 6 × x + 640/100, तो ये हो गया। अब इसमें आप देख रहे हैं कि 100 सब में है और 2 कॉमन सब में है, तो 2/100 हटा देते हैं तो 2 से इसको 100 सब का हट गया, 2 से करेंगे तो यहाँ पर x हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2560 ग्रेटर देन, यहाँ पे हो जाएगा 2 से इंटू करेंगे तो 2x + 1280, एंड फिर यहाँ भी 2 कॉमन निकाल लिए हैं तो x बचा,
फिर ये भी हो जाएगा वही 2560 और लेस देन यहाँ पर 3 बचेगा, जब 2 कॉमन निकालेंगे तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x और प्लस में 1920 हो गया। अब ये आसान हो गया, तो अब क्या करना है इसमें कि सीधे x वाले को लगे तो 2 माइनस 2x और लेस देन ये हो जाएगा 1280 और माइनस में 2560 एंड फिर इसको इधर लाइए तो x माइनस 3x लेस देन 1920 और माइनस में 2560 हो गया। अब इसको करेंगे तो यहाँ माइनस x ग्रेटर देन, इसको माइनस करेंगे तो 1280 एंड इसमें से माइनस 2x लेस देन, इसको करेंगे तो आ जाएगा हमारा यहाँ पर माइनस 640। अब क्या होगा, ये माइनस है तो इन इक्वेशन का साइन बदल जाएगा, तो यहाँ पर माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस 1280 है तो माइनस हटाएंगे तो एक्स लेस देन 1280 हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस हटा देंगे तो साइन तो बदलेगा ही, ग्रेटर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, और उसके बाद क्या हुआ कि 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ एक्स हो जाएगा, यहाँ 320 हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या मिला कि एक्स का वैल्यू 1280 से छोटा है और 320 से बड़ा है, यानी 320 लेस देन एक्स और एक्स लेस देन 1280 हो गया। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वांटिटी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो मोर देन 320 लीटर एंड लेस देन 1280 लीटर। तो यही आपका अमाउंट हो गया रिक्वायर्ड, 320 लीटर से ज़्यादा चाहिए और 1280 लीटर से कम चाहिए 2% वाला बोरिक एसिड, तो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। इसके बाद और दो क्वेश्चन हैं, दोनों को हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर वुड हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर्स ऑफ 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid content। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग दो अलग अलग कंसंट्रेशन का बोरिक एसिड मिला रहे थे डाइल्यूट करने के लिए, और इसमें क्या है कि आप एसिड लिए हुए हैं और सॉल्यूशन जो लिए हैं एसिड कंटेंट वाला उसमें केवल वाटर मिला रहे हैं, तो वाटर में तो एसिड नहीं है तो एसिड का परसेंटेज 0 हो जाएगा वाटर में, बाकी बनेगा उसी प्रोसेस से। तो हम लोग देख लेते हैं इसको, देखिए लेट एक्स लीटर्स ऑफ वाटर इज टू बी एडेड, तो देन टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, 1125 लीटर दिया एक्स जोड़े तो एक्स प्लस 1125 लीटर्स हो गया। अब क्या कहता है कि उसका अमाउंट 20% एवरेज से ज़्यादा होना चाहिए कंसंट्रेशन और 30% से कम, तो टोटल एसिड का कंसंट्रेशन होगा कितना, वो एक्स वाटर है और उसमें 0% है तो 0% ऑफ एक्स प्लस 45% ऑफ 1125, तो ये ग्रेटर देन होना चाहिए 25% ऑफ एक्स प्लस 1125, मैंने टोटल मिक्सर के 25% से ज़्यादा एंड 0% ऑफ एक्स प्लस 45% ऑफ 1125 लेस देन 30% ऑफ एक्स प्लस 1125। तो अब सिंपल है, 0% वाली तो बातें खत्म ही, तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आया, 45 × 1125/100 और ये हो गया आपका ग्रेटर देन 25 × x + 1125/100 एंड इसमें भी हो गया 45 × 1125/100 और लेस देन हो जाएगा आपका ये 30 × x + 1125/100। अब क्या किए इसमें, देखिए कि 100 तो सब में है तो कॉमन निकाल दिए, 5 से सब इजीली कट जाने वाला है तो 100 छोड़ दिए हैं सब में, अब 5 से काटा दिए तो ये होगा 9 × ये बच गया, यहाँ पर है 25 में 5 कॉमन निकालेंगे तो केवल 5 बचेगा तो 5x और प्लस 5 × इतना, फिर इसमें भी निकाले हैं 5 तो ये आपका हो गया 9 × 1125 लेस देन, यहाँ से भी 5 निकालें तो 6 बचा, 5 × 6 = 30 होता है तो 6x और प्लस 6 × इतना कर दिए। अब कॉमन निकालते जाएंगे टर्म आपका छोटा होता जाएगा, आसान होता है कैलकुलेशन। तो अब यहाँ क्या किए, इसको मल्टीप्लाई किए तो इतना आया 5x, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए आया एंड
इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो ये आया, फिर इसको ये हो गया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या है कि 10,125 इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ग्रेटर देन 5x एंड 10,125 ये हो जाएगा माइनस में 6,750 लेस देन 600 होगा। अब इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो इतना हुआ। अब इसके बाद ग्रेटर देन 5x हो गया और इसको जब इसमें से माइनस करेंगे तो इतना होगा, ये लेस देन 5x हो गया। जैसे सिंपल करते हैं आप, 5 से दोनों तरफ हम कटा दिए तो ये 900 ग्रेटर देन x हो गया। यहाँ पर हम देखें कि 3 से दोनों कट जा रहा है तो 6 से डिवाइड कर दिए सीधे, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 से ऊपर कट जाएगा तो 1125 होगा, नीचे 2 हो जाएगा, लेस देन 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसको चेंज कर सकते हैं कि x लेस, जब 900 ग्रेटर देन x है तो जब x को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, इसको राइट में ले जाएंगे तो चिन्ह भी बदल जाएगा, यानी x लेस देन 900 हो गया। एंड यहाँ पर क्या हुआ, इसको डिवाइड कर दिए 1125 को 2 से तो 562.5 लेस देन x हो गया। तो अब क्या आया हमारा कि x का वैल्यू 562.5 से ज़्यादा है और 900 से कम है, तो लिख दिए कि 562.5 लेस देन x और x लेस देन 900। तो रिक्वायर्ड वाटर कितना हो गया कि मोर देन 562.5 लीटर एंड लेस देन 900 लीटर। तो यही आपका आंसर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन इसका है, वो कह रहा है कि IQ ऑफ ए पर्सन इज गिवन बाय द फॉर्मूला IQ इक्वल टू MA बटा CA इंटू 100, वेयर MA इज द मेंटल एज एंड CA इज द क्रोनोलॉजिकल एज। इफ 80 लेस देन और इक्वल टू IQ लेस देन और इक्वल टू 140 फॉर ए ग्रुप ऑफ 12 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रेन, फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज। तो यहाँ पर क्या हुआ कि CA का वैल्यू आपको दे दिया है 12। तो आप देख रहे हैं कि गिवेन CA इक्वल टू कितना है 12 ईयर्स, IQ का वैल्यू दिया है MA बाय CA इंटू 100। तो क्या लिख सकते हैं कि IQ इक्वल टू MA बाय 12 इंटू 100, क्या कि CA का वैल्यू 12 ईयर्स दिया है और कंडीशन दिया गया है कि 80 लेस देन और इक्वल टू IQ लेस देन और इक्वल टू 140। तो अब इसी को लेकर के चलेंगे, 80 लेस देन और इक्वल टू IQ लेस देन और इक्वल टू 140। तो हम हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर IQ के जगह पर यही MA बटा 12 लिख देंगे इंटू 100, बाकी वही रह गया। अब इसमें हम देख रहे हैं कि 20 से पहले सब कट सकता है आसानी से बिना कोई प्रयास किए, 24 जाए 80, 20 से कटेगा 5 आएगा, ये कटेगा 7 आएगा। तो लिख दिए 4 लेस देन और इक्वल टू MA इंटू 5 बाई 12 लेस देन 7 हो गया। अब देख रहे हैं इसमें कि 12 नीचे में है तो सबको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला 12 कट जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 48, यहाँ हो गया 5 इंटू MA चाहे MA इंटू 5 और ये हो गया 84। अब फिर इसमें यहाँ 5 है तो सबको 5 से डिवाइड कर दीजिए 5 हटाने के लिए, तो 48 बाई 5 लेस देन MA और MA लेस देन 84 बाई 5। तो अब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा होगा 9.6 लेस देन और इक्वल टू MA लेस देन और इक्वल टू 16.8 हो गया। तो इस तरीके से हमारा MA का वैल्यू कितना है, 9.6 और उससे ज़्यादा और 16.8 या उससे कम। तो यही आपका आंसर हो गया। और इसी के साथ हमारा ये लिनियर इनइक्वलिटी का मिसलेनियस क्वेश्चन भी पूरा हो गया। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो वहाँ पर न्यू चैप्टर की शुरुआत करेंगे जो हमारे NCERT बुक का 7 नंबर चैप्टर होगा, आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, PNCB शॉर्ट में बोलते हैं, और हम लोग हंसने के लिए पारा एंड काउंटिंग भी बोलते हैं, पारा गिनती। तो ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो है PNC, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक इसके पहले वाले वीडियो में आपको जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन छूट रहे हों आप उसको बना लीजिए, ताकि हमेशा हमारे स्पीड के साथ आप रहिए तो आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएंगे और अपडेट हो पाएंगे। क्योंकि हम लोगों के लिए समय कम है, वर्क ज़्यादा करना है। आप ये मत सोचिए कि 10th के स्पीड से हैं, आपको 12th का स्पीड पकड़ना है, इसलिए 11th में आपको फास्ट होने की ज़रूरत है। तो फास्ट होकर के आगे बढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।